Hello students, today we start the exercise 5.1 of the complex number and quadratic equation. The topic is complex number. Okay, in previous three lectures, this is our fourth part. We complete all the properties, okay, and some kind of examples. Okay, so let's start. Express each of the complex numbers given in the exercise. So 1 to 10 in the form of a plus iota b. Right, the first question is a 5 iota into minus 3 by 5 iota. Okay, so now we simplify this. Okay, so now is equal to, okay, so here 5 iota into minus 3 iota upon 5. So here 5 cancel, so minus 3 iota square, right? So iota square minus 3, iota square is equal to minus, so answer is equal to minus minus plus 3, right? Now the question number 2, I raised to 9 plus, right, I raised to 19. तो हमने क्या कहा था, 4 से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई, सो क्या हो जाएगा, हियर द आई स्क्वायर रेज टू 4 2 8 एंड ओके 4 2 8 एंड इनटू आई आयोटा. मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई स्क्वायर होल रेज टू 8 2 16, क्या हो जाएगा 8 2 16, राइट, सो 9 raised to 9, ओके, एंड ऑल्सो द आयोटा 1, हो गया 18 plus 1 19, राइट, ओके. फोर वाले फॉर्म में तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस वन, तो माइनस वन का पावर तो क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ गया आई, फिर यहाँ पे क्या पावर 9, आई स्क्वायर माइनस 1, तो आप लिख सकते हो माइनस 1 raised to 9 ऑफ आयोटा, राइट. So now you written here I is equal to iota minus iota. So iota minus iota, then you got the 0 answer, right? Now third one. So third question is, okay, third question is iota minus 39, right? Okay, so no problems, is equal to 1 upon iota raised to 39, so is equal to 1 upon iota square whole raised to, okay, 18 2 36 19 2 38, okay, so raised to 19 and into iota, so again 1 upon minus 1 raised to 19 and into iota, so 1 upon minus iota, so we multiply by iota by iota, so minus iota upon iota square, so you know that minus iota upon minus 1, so minus minus plus iota, so our answer is equal to plus iota, right. Now question number 4 is 3 into 7 plus iota 7, bracket close, plus iota, okay, into bracket 7 plus iota 7, 7 plus iota 7 and 7 plus iota 7, right, okay, no problems, just we simplify this, is equal to 21 iota plus 7 iota and plus 7 into iota square. So here 21 plus 28 iota plus 7 iota square, that means minus 1. So 21 minus 7, okay, so 14
प्लस 28 आयोटा, 14 प्लस 28 आयोटा, अंडरस्टैंड दिस इज अवर आंसर, राइट. सिमिलरली द क्वेश्चन नंबर 5, सो हियर क्वेश्चन नंबर 5, 1 माइनस आयोटा माइनस इंटू माइनस 1 प्लस आयोटा 6, आयोटा इंटू 6, नो प्रॉब्लम, स्प्लिट दिस, ओपन द ब्रैकेट, ओके, माइनस माइनस प्लस 1 माइनस आयोटा 6, 1 प्लस 1 2 माइनस 7 आयोटा, सो 2 माइनस 7 आयोटा इज अवर आंसर, राइट. चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 6, बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, सो 1 अपॉन 5 प्लस 2 बाय 5 आयोटा माइनस 4 प्लस क्या है 5 बाय 2 आयोटा. यहाँ पे हम फिर से ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, राइट. सो 1 बाय 5 प्लस 2 बाय 5 आयोटा माइनस 4 माइनस 5 बाय 2 आयोटा, ओके. तो रियल पार्ट को साथ में ला दो बच्चों, 1 माइनस 1 बाय 5 माइनस, ओके, ये क्या है बच्चों, सो दिस वन इज माइनस 4 आ गया, प्लस 2 बाय 5 मैंने आयोटा बाहर ले लिया, राइट. सो 2 बाय 5 माइनस 5 बाय 2, अंडरस्टैंड, ओके. चलो पहले यहाँ पर भी एलसीएम ले लो, सो 1 माइनस 20 बाय 5 फॉर रियल पार्ट्स प्लस आयोटा इनटू ब्रैकेट 10 एलसीएम, सो 4 माइनस 25. नाउ हियर सो माइनस 19 बाय 5, राइट, प्लस आयोटा इनटू ब्रैकेट माइनस 21 बाय 10, सो हियर आवर आंसर माइनस 19 बाय 5 माइनस 21 बाय 10 आयोटा, राइट. सो दिस वन इज अवर आंसर, अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इजी टू. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, सो हियर क्वेश्चन नंबर 7, 1 बाय 3 प्लस 7 बाय 3 आयोटा प्लस 7 है बच्चों, प्लस 4 प्लस 1 बाय 3 आयोटा ब्रैकेट क्लोज माइनस, ओके, ए बी ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट माइनस 4 बाय 3 एंड प्लस ओनली आयोटा, ओके, कोई बात नहीं, खाली ब्रैकेट को ओपन कर दो ताकि हम लोग कर सके 1 बाय 3 प्लस 7 बाय 3 आयोटा प्लस 4 प्लस 1 बाय 3 आयोटा ब्रैकेट क्लोज, ओके, माइनस माइनस प्लस 4 बाय 3 माइनस आयोटा. पहले इस ब्रैकेट का सिंप्लीफाई कर देते हैं, ओके, तो 1 बाय 3 प्लस 4, ओके, तो 1 प्लस 1 बाय 3 प्लस 4 रियल पार्ट प्लस आयोटा कॉमन, तो 7 बाय 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 4 बाय 3 एंड माइनस आयोटा, सो हियर 12 एंड 13, सो 13 बाय 3 प्लस यहाँ पे 8 बाय 3 आयोटा प्लस 4 बाय 3 एंड माइनस आयोटा, कोई बात नहीं, इन रियल पार्ट को साथ में ला दो, तो 13 प्लस 4 तो 17 बाय 3 प्लस आयोटा कॉमन, राइट, सो 8 बाय 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 17 बाय 3 प्लस आयोटा 5 बाय 3 बिकॉज वी टेक द एलसीएम, तो 17 बाय 3 प्लस 5 बाय 3 आयोटा इज अवर आंसर,
right? So क्या हुआ आपका आंसर 17/3 प्लस 5/3 आयोटा। चलो क्लियर, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। 1 - iota 4 raised to 4 ओके, बाइनोमियल आपको पता है, कर सकते हो। इसके अलावा और एक आपके पास है ऑप्शन 1 - iota whole square and whole raised to square राइट। चलो पहले इसका सिंप्लीफाई कर दो, 1 - 2iota + iota square and whole square सो नाउ 1 - 2iota i square दैट मीन्स मतलब आयोटा स्क्वायर कैंसल, सो -2iota square सो -2 = 4 एंड ऑल्सो आयोटा स्क्वायर सो आंसर इज इक्वल टू -4 राइट। इज वेरी इजी। सो क्वेश्चन नंबर 9 1/3 + 3iota whole cube तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब वाली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ओके। तो ए कौन है, फर्स्ट टर्म कौन है 1/3 क्यूब ओके, फिर प्लस बी क्यूब तो 3iota³ प्लस 3 times फर्स्ट टर्म स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म एज इट इज प्लस 3 times 1/3 × 3iota² नाउ सिंप्लीफाई दिस 1/27 + 27iota³ प्लस 3 3s are 9 एंड ऑल्सो 9 cancel सो यू हैव द ओनली आयोटा प्लस 3 3 cancel 9iota² ओके। नाउ 1/27 i³ सो -iota राइट, सो -27 + iota एंड -9 बिकॉज iota² इज इक्वल टू 9 राइट। सो 1/27 - 9 27 में से 1 iota कम हो जाएगा लेस यू 26 iota राइट। टेक द एलसीएम तो 29 7s are ओके, तो -242/42 राइट, 7 = 243 था -1 सो -2/27 - 26 iota ओके, दिस वन इज अवर आंसर राइट ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 -2 - 1/3 iota³ इज इक्वल टू अगेन -2 whole cube राइट, -2 whole cube यहाँ पे और ज्यादा कंफ्यूजन ना हो तो एक काम करो, ए प्लस वाला आपको याद रहता है ना, तो माइनस कॉमन निकाल दो क्योंकि ऑड है तो सीधी बात है 2 + 1/3 iota³ हो गया। अब माइनस करके पूरा ब्रैकेट में लिखते जाओ 2³ + 1/3 iota³ राइट ओके, प्लस 3 times 2² × 1/3 iota प्लस 3 × 2 1/3 iota² ब्रैकेट क्लोज। नाउ सिंप्लीफाई देन माइनस ओके 8 + 1/27 iota³ हियर द 3 3 cancel तो प्लस 4 iota प्लस कैंसल नहीं बट 2 iota² डिवाइड बाय 1 3 कट हो जाएगा तो 3 ब्रैकेट क्लोज।
Now again minus 8 minus 1 by 27 iota plus 4 iota and minus 2 by 3. राइट, तो पहले हम लोग ब्रैकेट का सिंप्लीफाई कर देते हैं. सो ब्रैकेट का सिंप्लीफाई आएगा माइनस ओके 8 और एक कांस्टेंट, तो एलसीएम लेंगे 8 2 बाई 3 24 बाई 2, सो 22 बाई 3. इन दोनों में क्या हो जाएगा, आयोटा कॉमन. ओके तो माइनस सॉरी 1 बाई 27 माइनस 4 क्या हो जाएगा, माइनस 4. राइट, ब्रैकेट क्लोज. अगेन माइनस ब्रैकेट क्लोज 22 बाई 3 माइनस आयोटा ब्रैकेट कर लेते 27 फोर जार ओके तो 27 54 508 माइनस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 107 अपॉन 27 माइनस माइनस प्लस सो 22 बाय 7 बटे माइनस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस सो अगेन प्लस माइनस माइनस तो 107 बाय 27 आयोटा इज अवर आंसर. चलो क्लियर. तो ये हमने सिंप्लीफाई ए प्लस आयोटा बी में हर एक सम्स के आंसर ला दिए. राइट, अब हमें ढूंढना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. क्या करना है, मल्टीप्लिकेसी इनवर्स. सो फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ओके इच सम 11 टू 13. राइट, 11 टू 13. चलो खाली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लाना है बच्चों. 11 सो 4 माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. राइट, तो आप लोग क्या लिख सकते हो, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा होल रेस टू माइनस 1 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. राइट, सो 1 अपॉन 4 माइनस 3 आयोटा. कंजुगेट लेके भी कर सकते हो और मैंने आपको बताया था डायरेक्ट फॉर्मूलाज. ओके, ए बी स्क्वायर करके इन अलग जो है उसका ऑपोजिट साइन. क्या करना है आपको, जो है उसका ऑपोजिट साइन. यू हैव द टू वे. ओके, तो मैंने आपको बताया था. राइट, तो 4 प्लस 3 आयोटा ये मैं कॉन्जुगेट सर्च लेके कर रहा हूँ. अल्टीमेटली सेम आंसर सेम प्रोसीजर. ओके, बट वो डायरेक्ट कर सकते हो. तो 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर. सो हियर 4 प्लस 3 आयोटा इंटू 16 आयोटा स्क्वायर नेगेटिव होता है तो माइनस माइनस प्लस. सो यू गॉट द 4 बाई 25 प्लस 3 बाई 25 आयोटा. राइट, ओके. नाउ सेकंड मेथड वो मैं हमने बताया था, वो खाली याद करने के लिए लो, फिर आपको जो अच्छी लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो आपका था 1 अपॉन 4 माइनस 3 आयोटा. राइट, क्या बताया था, ए ए है ए बी है, तो आप पहले लिख दोगे 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर. फिर क्या बताया था, ए तो ए क्या है 4 प्लस माइनस है तो प्लस. ओके, आयोटा बी तो बी कितना है, हियर 3. राइट ना, प्लस और बी जो है उसकी आपको साइन चेंज करनी होती है. राइट, क्या है उसकी, तो आगे समझो कि आपके इक्वेशन में माइनस था वहां पे प्लस हो जाता है. अंडरस्टूड, और ओरिजिनली क्या है माइनस, तो माइनस है तो अब यहाँ पे प्लस करके ये जो प्लस दिख रहा है ना, तो माइनस 3 और आगे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है. तो 4 स्क्वायर ओके प्लस सिमिलरली माइनस 3 स्क्वायर. राइट, तो कितना हो गया 4 16 प्लस 25 प्लस 3 आयोटा अपॉन 25. राइट, तो इससे भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको. ट्वेल्व वन
अंडर रूट 5 प्लस 3 आयोटा, चलो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्लस 3 आयोटा इसका कंजुगेट राइट, तो नेगेटिव राइट, अंडर रूट 5 माइनस 3 आयोटा अपॉन, यहाँ पर भी प्लस था तो माइनस हो जाता और कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर क्या गया रूट 5 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, ओके तो इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस 3 आयोटा अपॉन ये 5 माइनस माइनस प्लस तो कितना हो गया 14, यू गोट अंडर रूट 5 बाय 14 माइनस 3 बाय 14 आयोटा राइट, सो दिस वन इज अवर आंसर बच्चों, ओके तो है इजी, ओके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लाना। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ओके इसको क्या कह सकते हो, इमेजिनरी पार्टी है राइट, रियल है तो प्योरली इमेजिनरी कह सकते हो, ओके तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सो 1 माइनस 1 अपॉन आयोटा, क्या है माइनस 1 अपॉन आयोटा, कोई बात नहीं चलो ऊपर नीचे हम लोग आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो यू गॉट माइनस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, सो माइनस आयोटा अपॉन माइनस 1, सो माइनस माइनस प्लस तो क्या हो गया प्लस, अंडरस्टैंड, ओके चलो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज राइट, नॉर्मली क्या दिया है आपको एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में लाना, फर्स्ट क्वेश्चन की बट थोड़ा क्वेश्चन आपको बढ़ा दिया है और कुछ नहीं, 3 प्लस अंडर रूट 5 आयोटा ब्रैकेट इनटू 3 माइनस अंडर रूट 5 आयोटा राइट, अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा माइनस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 आयोटा, कोई बात नहीं बच्चों थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते और कुछ है नहीं क्वेश्चंस के अंदर, तो इधर तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, सो 3 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 आयोटा स्क्वायर राइट अपॉन, सिंप्लीफाई कर दो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आई माइनस अंडर रूट 3 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 2 आयोटा, रूट 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपके क्या बचेगा 9 माइनस 5 आयोटा स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स रूट अंडर रूट 2 आयोटा, सो ऊपर राइट स्क्वायर क्या होता है प्लस, तो 9 प्लस 5 कितना हो गया 40 अपॉन 2 अंडर रूट 2 आयोटा, आप कट कर दो तो 7 अपॉन अंडर रूट 2 आयोटा राइट, क्या हो गया 7 अपॉन रूट 2 आयोटा, अब ऊपर नीचे हम लोग आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो राइट, सो यू गॉट 7 आयोटा, क्या है 7 आयोटा अपॉन अंडर रूट 2 आयोटा स्क्वायर, तो माइनस हो गया, सो माइनस 7 आयोटा अपॉन अंडर रूट 2 राइट, सो दिस वन इज अवर आंसर, बट यहाँ पे और हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किसे रूट 2 से, सो हियर
So therefore s is equal to minus 7 iota under root 2. So again search, right? So minus 7 under root 2 iota by 2. Okay, so this one is answer. Okay बच्चों, तो ऐसे सम्स की प्रैक्टिस ओके वर्कशीट के फॉर्म में मैं आपको दूंगा, तो करते रहना ताकि ये सारे सिंप्लीफिकेशन आ जाए. ओके तो हम लोग नॉर्मली हमने क्या देख लिया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसका पोलर फॉर्म जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंस है पूरे चैप्टर्स के अंदर. तो अब जो नेक्स्ट सेशन होगा वो हमारा पोलर फॉर्म के ऊपर होगा. इट्स वेरी इजी बट इम्पोर्टेंस थिंग्स. ओके इट इज कॉल्ड द पोलर फॉर्म. थोड़ी थियरी याद रखनी उसमें, बहुत सिंपल है. ओके अगर वो आ जाता है तो आपका पोलर फॉर्म आराम से खत्म हो जाएगा. तो इस चैप्टर के लिए अगर पोलर फॉर्म के बाद मैक्सिमम दो लेक्चर की जरूरत पड़ती है, राइट? तो अगर पोलर फॉर्म समझ में आ जाता है ओके तो ज़्यादा आपको टाइम कंप्लीट करने में नहीं लगेगा ये चैप्टर्स, अंडरस्टैंड? उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आता है. ओके तो चलो ओके थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, समझ लेना. ओके थैंक यू फॉर स्पेंडिंग टाइम फॉर वॉचिंग माई वीडियो. टिल देन एंड बाय बाय.